तो गाइस यार शहर से बहुत ज्यादा दूर इस झरने के पास रहती है वंडर वुमन, और वंडर वुमन का काम है इस मैकेनिकल एग की प्रोटेक्शन करना बुरे लोगों से। और ये मैकेनिकल एग की बहुत ही ज्यादा ताकत है, और वंडर वुमन का काम है इस मैकेनिकल एग की प्रोटेक्शन करना उन बुरे लोगों से। लेकिन एक दिन रिवर्स फ्लैश को पता लग जाता है कि उस मैकेनिकल एग के बारे में, और उससे वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उस मैकेनिकल एग को ढूंढने लगता है, और उसे वो मिल भी जाता है। आखिरकार मुझे मैकेनिकल एग मिल ही गया। चुपचाप यहाँ से चले जाओ रिवर्स फ्लैश, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वरना क्या मुझे डराएगी एक अबला नारी? मैं बता रही हूँ। ये ले, ज्यादा मत बोल मेरे आगे। अब मुझे सिर्फ इसे एक बार चार्ज करना है, और इसको चार्ज करने के बाद मेरे पास असीम शक्ति आ जाएगी। ये ले। ये क्या, मैं तो एक खतरनाक वाले आयरन फ्लैश के अंदर अपग्रेड हो गया। मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, वो फ्लैश भी नहीं हरा सकता। चलो मुझे इस फ्लैश से बदला भी ले ले। मैं वंडर वुमन को मेरे साथ लेके चलता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर फ्लैश अपग्रेड हो गया एक आयरन फ्लैश के अंदर उस मैकेनिकल एग की हेल्प से। और गाइस यार वो लेके चला गया वंडर वुमन को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। अब मुझे वंडर वुमन को बचाना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा एक आयरन फ्लैश के अंदर। ओ गाइस यार सैमी, तुम्हारे भाई ने पूरा जंगल छान मारा, जितने भी रूरल एरियाज थे वो सारे छान मारे। भाई साहब मुझे कहीं पर भी वंडर वुमन नहीं मिल रही यार, कहीं पर भी नहीं मिल रही। इसका मतलब सैमी वो एक ऐसी जगह पर जा चुकी है जहाँ पर उसे ढूंढना नामुमकिन है। आखिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या यार, कैसे वंडर वुमन की जान बचाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें अब मैं? अरे तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक सेकंड, ये किसकी आवाज है? ओए एक सेकंड, अरे तुम तो फ्लैश हल्क हो ना? हाँ मैं फ्लैश हल्क हूँ, और मुझे पता है कि रिवर्स फ्लैश एक आयरन फ्लैश के अंदर अपग्रेड हो चुका है, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और वो वंडर वुमन को लेके जा चुका है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई नॉर्मल फ्लैश नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हें एक आयरन फ्लैश के अंदर अपग्रेड होना होगा अपनी वंडर वुमन को बचाने के लिए। अरे हाँ फ्लैश, अरे हाँ हल्क फ्लैश, तुम्हें तो सब कुछ पता है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना उसको हराने में। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसको हराने में। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फ्लैश के हेड ढूंढने पड़ेंगे। फ्लैश के हेड मतलब? देखो जैसे एक फ्लैश का हेड मेरे पीछे है, ऐसे लॉस सैंटोस में 4 से 5 हेड है, उनको ढूंढ ढूंढ के तुम्हें वो टच करके उन्हें पोर्शन में चेंज करके अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा एक रोबोट फ्लैश के अंदर, बोले तो एक आयरन फ्लैश के अंदर। ओके अब मुझे करना क्या है? सिंपली तुम्हें इस हेड को टच करना है जिससे ये एक पोर्शन के अंदर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें उस पोर्शन को पी लेना है। ओके तो चलो गाइस इसको टच करते हैं। ओ ये तो सही एक देखो पोर्शन के अंदर चेंज हो गया। चलो अब इसे जल्दी से पी लो, और उसके बाद तुम अपग्रेड हो जाओगे। चलो गाइस इसको पीते हैं। गुड 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 गुड। गाइस यार लग गई, ये क्या बकवास थी यार, मैं इतनी ऊंचाई से नीचे आके क्यों गिरा यार, समझ ही नहीं आया। और ये म्यूजियम के पास क्या कर रहा हूँ मैं? वे एक सेकंड गाइस यार ये देखो मैं अपग्रेड हो गया। ओए पर ये कोई रिवर्स, ये तो कोई आयरन फ्लैश नहीं लग रहा। अरे ये रहा फ्लैश हल्क। अरे मैं अपग्रेड तो हुआ पर आयरन फ्लैश के अंदर अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? अरे पागल हो क्या, एक ही फ्लैश के हेड में थोड़ी तुम अपग्रेड हो जाओगे एक अल्टीमेट आयरन फ्लैश के अंदर। फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने जैसे बोला सारे के सारे आयरन फ्लैश को ढूंढो, और उनको पोशन के अंदर चेंज करके पीना होगा तुम्हें, जिससे तुम आयरन फ्लैश के अंदर अपग्रेड होगे। ठीक है पर म्यूजियम के पास क्यों आया हूँ, मतलब ऐसे टेलीपोर्ट क्यों हुआ मैं? मेरी बात सुनो, तुम्हें पता ही होगा एक आदमी के बारे में, मतलब एक फ्लैश के बारे में, थीप फ्लैश के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ, थीप फ्लैश जो लोगों से चोरी करता है। हाँ वो जितनी भी चीजें चोरी करता है वो सारी वो अपने म्यूजियम में रखता है। अच्छा ये उसका म्यूजियम है? नहीं, इस म्यूजियम के नीचे एक और सीक्रेट म्यूजियम है जो कि उसका है। तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और जाके उसका हेड चुराना होगा, थीप वेनम फ्लैश का। अच्छा अच्छा पर ये चीज फ्री में नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से अपने दोस्तों को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके तो गाइस अगर आप लोग भी चाहते हैं वंडर वुमन को बचा ले तो जल्दी से आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ और एक और चीज, फ्लैश हल्क फ्लैश ओपी लिखवाओ। और गाइस यार एक चीज और करनी पड़ेगी आप लोगों को, अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा फ्लैश हल्क ओपी, जिससे यार ये खुश हो जाए। और बदले में मेरे को क्या मिलेगा? मैं उस सीक्रेट दरवाजे की चाबी दूंगा जिससे तुम उस म्यूजियम के अंदर जा सकते। पर ध्यान रखना वो थीप फ्लैश बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है, मतलब तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। मतलब मुझे चोर के घर से चोरी करनी पड़ेगी? हाँ उस हेड की तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। ओके तो ठीक है, तो गाइस यार आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दिया और कमेंट बॉक्स के अंदर फ्लैश हल्क ओपी जरूर लिख दिया होगा। हाँ सब लोगों ने लिख दिया है, तो तुम ये लो तुम्हारी चाबी। हाँ तो गाइस यार यहाँ पर जल्दी से चाबी लेते हैं हल्क से। ओके तो गाइस यार हम लोगों ने यहाँ पर चाबी ले ली हल्क से, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं
आराम से जाना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अबे मैं तो गलत बेसमेंट में आ गया यार, दूसरे बेसमेंट में जाना पड़ेगा। हाँ तो गाइस यार अभी हम लोग दूसरी साइड आ चुके और यहाँ पर कोई दरवाजा है। ओ ये देखो, ये रहा एक दरवाजा। मेरे को लगता है यही है वो दरवाजा जिसके बारे में फ्लैश हल्क ने मेरे को बताया था। चलो इसको खोलते और इसके अंदर चलते, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार ये कहाँ पर आ गया मैं तो आज से पहले इस म्यूजियम में कभी नहीं आया भाई। ये कौन सा म्यूजियम है यार, छुप जाता हूँ यार क्योंकि यहाँ पर थीफ फ्लैश होगा ना, दिख तो नहीं रहा कहीं भी। देखो बोरा, मेरे को उसकी मुंडी मुंडी नजर आ रही है वहाँ पर ऊपर। मंगलम मांगू तेरे घर पे चांदू, आया चोरी करने, मेरा नाम है थीफ फ्लैश, ये मेरा अड्डा है, मैं लोगों से चोरी करता हूँ और अपने म्यूजियम में लगाता हूँ। मुझे चोरी करना बहुत ज्यादा पसंद है, सारी चीजें चोरी करके मैं अपने म्यूजियम में रखता हूँ। ये देखो मैंने अभी 10 दिन पहले ये पत्थर चुराए हैं, है ना मस्त। गाइस यार मुझे रिवर्स फ्लैश की आवाज आ रही है, वो लगता है ऊपर वाली मंजिल पे है। देखता हूँ यार अब मेरे को यहाँ पर वो हेड ढूंढना है जिसके लिए तुम्हारा भाई यहाँ पर आया है। अगर तुम्हें कहीं पर भी कोई फ्लैश का हेड दिखे ना तो मेरे को बताना तुम लोग। अरे भाई ये देखो गाइस यार, यहाँ पर एक डायनासोर का पूरा स्केलेटन है यार, पूरे लॉस सैंटोस में कहीं भी स्केलेटन नहीं है डायनासोर का इसके पास भाई। इसने पक्का चोरी किया होगा। और इसका क्या नाम है, ट्रायसेराटॉप्स, इस जो डायनासोर का नाम, उसका नाम ट्रायसेराटॉप्स। और ये 67-65 मिलियन ईयर्स ओल्ड है यार, मतलब बहुत ज्यादा पुराना है यार ये सेमी ट्रायसेराटॉप्स। भाई देख रहे हो क्या कमाल का डायनासोर है। अबे मैं भी क्या कर रहा हूँ, मेरे को डायनासोर नहीं देखना, मेरे को यार वो हेड ढूंढना है। एक सेकेंड, किसी की आवाज आ रही है, कौन है वहां पर? मेरे को लगता है कोई घुसपैठ या घुस आया है। ओए भूतनी के, मैं छोड़ूंगा नहीं जो कोई भी यहाँ पर घुसा है, मुझे पता लग जाता है मेरे अड्डे पे जो कोई भी आता है तब। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ के मारूंगा जो कोई भी मेरे म्यूजियम में बिना मेरी इजाजत के घुसा है। भाई एकदम सही वक्त पे मैं इस डायनासोर के पीछे आके छुप गया था, वरना यार फ्लैश मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। भाई यार मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, थीफ फ्लैश नीचे आ रहा है। कहाँ पर है यार वो हेड, मेरे को जल्दी से उस हेड को ढूंढ के निकलना पड़ेगा वरना थीफ फ्लैश मेरे को छोड़ेगा नहीं। उसके पास कोई खतरनाक वाली लेजर गन है यार, जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है, पर छुपू कहाँ पर, वो पक्का ऊपर ही है। उस साइड चलता हूँ यार, कहीं तो मेरे को थीफ फ्लैश का हेड मिलेगा। इस तरफ से इसके अंदर जाके देखता हूँ। ओए यहाँ पर ये देखो कोई दरवाजा है। नहीं नहीं यार बाहर थोड़ी जाना मेरे को, आखिर वो फ्लैश हेड है कहाँ पर यार, दिमाग खराब हो रहा है। उस साइड जाके देखता हूँ, यहाँ पर एक और देखो, यहाँ पर खतरनाक वाला डायनासोर का स्केलेटन है। इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर छुप जाता हूँ पहले। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल होज द वे, तुम उसे छुप नहीं सकते। ये देखो ये मैंने इजिप्ट की रानी की चुराया था, इजिप्ट का हार, रानी का मुकुट, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जो कोई भी है यहाँ पर बाहर आ जाओ चुपचाप, अगर मैंने ढूंढा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ स्किबिडी डिबिडी, आ जाओ छुपम छुपाई खेलते हैं साथ में जो कोई भी है यहाँ पर। गाइस यार वो आ गया, देखो वो रहा वहां पर। मेरे को कैसे करके सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर नीचे तो सब कुछ देख लिया पर मुझे कुछ मिला नहीं। ओए मैं बाहर की तरफ क्यों जा रहा हूँ, छुपना पड़ेगा जल्दी जाके, कहाँ छुपूं, यहाँ छुप जाता हूँ। हे एक सेकंड, मुझे लगा कि मेरे कोई पीछे है। ए चुपचाप बाहर निकल गया, मेरे को पता है तू यहीं कहीं पर, ये बाहर निकल जल्दी से, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ओ भाई ये आ गया, देखो थी फ्लैश, एकदम सही वक्त पे छुप गया मैं, यही मौका मेरे पास, ऊपर चलता हूँ जल्दी सी। भाई साहब इसके पास तो सेमी बहुत ज्यादा खतरनाक वाली वो भाई लेजर गन है। एक सेकंड, इजिप्ट वाला ये देख रहे हो, हिस्ट्री, मेरे को हिस्ट्री पे जाना नहीं है, मेरे को इजिप्ट वाले ये वाला जो फ्लोर है इस पे ढूंढना है। देखते हैं यार यहाँ पर कहाँ पर होगा, दिख रहा है कहीं पर तुम्हें भी, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक, कहीं तक भी कहीं तो होगा यार वो हेड, इतना बड़ा म्यूजियम भी नहीं है यार, या मेरे को सारे पर्दे हटा हटा के देखने पड़ेंगे। हे रुक जा भाई, पर तेरी ऐसी तैसी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये ले मेरे म्यूजियम में चोरी करेगा। ओह नो गाइस ये क्या, थीफ फ्लैश ने मेरे को देख लिया, चुपचाप बाहर आ जा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ओके अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर पे हूं और तू नीचे, ये तेरे को छोड़ूंगा नहीं। भागो भागो जल्दी भागो गाइस यार, इससे पहले कि ये मेरा कुत्ता बना दे। तू भाग, तुझे कहां तक भागना है, अभी आ रहा हूं मैं फ्लोर पे, फिर मारूंगा तुझे आके। ए नहीं पकड़ पाएगा तू मेरे को। गाइस यार ये कौन सा घोड़ा है, अबे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, भी बकवाद कर रहा हूँ। ए चढ़ूंगा नहीं। अरे रे रे रे, गुद्दी पे गोली मार रहा बेशरम, चुपचाप नीचे आ जा। ये ले ये ले ये ले ये ले, तबाह कर दूंगा सब कुछ, मेरे घर से चोरी करेगा। भागो 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 भूतड़ी का, लाला लाला। चलो गाइस यार यहाँ पर आ गया, पता नहीं कहाँ पर आ गया मैं। ओए एक सेकंड, ये है क्या? हाँ, ओ ये देखो तुम्हारे भाई को थीफ हेड का फ्लैश मिल गया, मतलब अबे इसकी ऐसी तैसी, मेरे को असल में थीफ फ्लैश का हेड मिल गया। चलो इसको पोशन में चेंज करता हूँ। ए ए छोड़ूंगा नहीं, ए मेरे हेड से दूर हो जा, मुझे पता है तू मेरे हेड के लिए आया है, दूर हो जा। हे रुक जा। ओए भाई गोली चला रहा है, जल्दी से मेरे को इसको पीना पड़ेगा इससे पहले कि यहाँ पर आ जाए वो थी फ्लैश। जल्दी से इसको पीता हूँ। अरे मित्र फिर से सेम चीज, अरे यार क्या चल रहा है भाई, सब फिर से गंदा वाला गिरा। एक सेकंड मैं ये कहाँ पर आ गया भाई, ये कौन सी रिंग है भाई, और ये लोग सभी सभी खुश क्यों हो रहे हैं यार। अरे वाह आज तो फाइट होगी कमाल वाली।
मैं तो आने वाला रे। अरे आज तक कोई नहीं जीता ये फाइट, बहुत मजा आने वाला है सैमी। अबे कौन सी फाइट, कैसी फाइट, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये रहा, अरे हल्क फ्लैश, हल्क फ्लैश। अरे यहाँ पर ये क्या चल रहा है, और मैं इस रिंग के अंदर क्या कर रहा हूँ? अरे तुम्हें अब फाइट करनी है। कैसी फाइट, कौन सी फाइट? असल में यहाँ पर थोड़ी देर में वेनम फ्लैश आने वाला है, तुम्हें वेनम फ्लैश से लड़ाई करनी है। अगर तुम वेनम फ्लैश से लड़ाई में जीत जाते हो तो तुम्हें मिलेगा अगला हेड। अगला हेड मतलब? असल में वेनम फ्लैश के पास एक हेड है जिसे तुम टच करके पोर्शन में चेंज करना और फिर अपने आप को अपग्रेड करना एक आयरन फ्लैश के अंदर। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। तो गाइस यार यहाँ पर हमें लड़ाई करनी वेनम फ्लैश के साथ, चलो उसका वेट करते हैं। ओए डस लूंगा, हट जा मोहतरमा, आगे से टक्कर लग जाएगी। ओ तो गाइस यार ये आ गया, देखो वेनम फ्लैश। अरे वाओ, आज लगता है कोई नया बकरा आया है मुझसे पिटने के लिए। जो कोई भी मुझसे जीतेगा उसे मैं दूंगा मेरा फ्लैश हेड, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। तो चलो हो जाए शुरू। अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओए मुझे कोई पंखों की जरूरत नहीं है, चल निकल बुढ़े यहाँ से। क्या मजा आया, चलो यार फाइट करने में मजा आने वाला है। और क्या हाल है दोस्त, क्या चल रहा है? अरे वेनम फ्लैश इसको बता देना तुम कितना ताकतवर हो। अरे हाँ तुम्हें इतनी बार पीटा है तो इसे भी पीट दूंगा ना। चलो चलते हैं रिंग के अंदर। कहाँ पर है रिंग की एंट्री? ओ वेनम फ्लैश आ गया। अरे अब देखना बस वेनम फ्लैश कैसे मारेगा। हट जा सामने से, ये आ गए हम रिंग के अंदर। आजा भूतनी के, तेरा नाम क्या है? आ गया क्या? तो गाइस यार जितना मेरे को लग रहा था मेरे को इतना डेंजरस ही लग नहीं रहा है। हाइट मेरी जितनी है बल्कि एक इंच मुझसे हाइट इसकी कम ही है। ओए क्या मेरे को बोना बोल रहा है तू? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ तो फिर अब फाइट भी करेगा या फिर बोलता ही रहेगा बक 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 बक? हाँ तो तूने कर ली होगी बक 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 बक। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये ले मेरा पहला पंच। अरे ये क्या, ये तो एक ही पंच में ढेर हो गया, मुझसे क्या फाइट करेगा ये? हाँ चिल्लाओ मेरे लिए। एक्सक्यूज मी ब्रदर, किसने कहा मैं एक ही पंच में ढेर हो गया? मेरी बारी, ये ले। अब बता टिकाना मुंह पे सीधा भाई, एक पंच में तो मैंने इसको ढेर कर दिया है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? हाँ मेरी इतनी हिम्मत, और अब देख रिंग बंद, अब बताता हूँ कैसे मारते हैं। बहुत कर ली बकवास, अब मेरी बारी, ये ले तेरे को बताता हूँ, मेरे से लेगा पंगा, मैं कर दूंगा गंजा, ये ले। ओ भाई सुना तो कुत्ता बढ़ा दिया मेरा। हाँ तो अब बोल, ये ले टिकाना मार दिया ना? नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ। क्या, ये ले तेरे को कोने में घुस घुस मारूंगा मैं, भूतनी के बहुत बुरा मारूंगा। ये ले मेरे सुपर पंचेस बहुत तेज मारता हूँ मैं, ये चल। इस बार बता। अरे कुछ नहीं हुआ भाई इस बार भी मेरे को। क्या अब भी तेरे को कुछ नहीं हुआ? तो अब मेरा सुपर पंच खाने के लिए तैयार हो जाए, ये ले। छाती में थोड़ा दर्द हुआ। ये क्या है, कैसे आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अब हवा में उड़ा दूंगा तेरे को मैं। ओ ये क्या कर रहा है, ओ पूरी ऑडियंस हवा में उड़ा दी इसने तो। और भाई सबको उड़ा दिया। अब बता कहाँ गया वो भूतनी का? अब उसका कुत्ता बनाता हूँ, मुझसे पंगा लेने की कह रहा था वो भाई साहब। अरे भाई यार तू तो कुत्तों की तरह उड़ाता है यार, पूरी पब्लिक उड़ा दिया, आसपास की पिंजरा भी तोड़ दिया। ओ भाई देख रहे हो कितने सारे लोगों को उड़ा दिया। अरे हल्क तू अब भी खड़ा है, फ्लैश हल्क अब भी यहीं खड़ा है। अरे अरे मेरे को ऐसे कुछ थोड़ी हो सकता, मैं अभी ताकतवर हूँ। हाँ तो बहुत तेरी पावर निकल गई, अब मेरी बारी मारने की। तो चलो गाइस यार कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से लिख दो पावर अप, अब हम इसकी बैंड बजाते हैं। आ जा तो भाई मेरी बारी अब मारने की। बैम बूम। अरे अरे ये क्या, इसके पंचेस में इतनी ताकत कैसे है? क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और तू ऐसी फिटोरी है। अरे नहीं नहीं भार वालों को नहीं मारना, इसको मारना, ये ले। ये खा मेरी सुपर लात, और ये तेरी ऐसी पूतनी का बहुत मार रहा था मेरे को, तू ये ले। अरे ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये ले। अरे मैडम जी रास्ते में आ गई, आप पागल हो गया थोड़ी? अरे यार मौका तो दे मेरे को मारने का। तूने मारा ना मेरे को स्टार्टिंग में, अब मेरी बारी मारने की, ठीक है? ओ शिट मैंने तो पिंजरा ही तोड़ दिया, बाहर निकल गया पिंजरा तोड़ के। अरे तू हार गया, अब रुक जा अभी वापिस आया यार, किसने बोला मैं हार गया? अरे ये कैसे मार रहा है तू मेरे को पिंजरे में से आर पार? यही तो सुपर पावर से मेरी। कुत्ता उड़ा दिया भाई इसका, तुम्हारे मार के तुम्हारे भाई ने जमी। अरे प्लीज मैं हार मानता हूँ, मुझे और मत मारो, ठीक है? वो हेड तुम्हारा हुआ बस। अरे यार मत मारो यार, और मत मारो। अरे मम्मी बचा लो कहीं तो मेरे को। चल तो गाइस यार यहाँ पर हमने इसको पिंजरे से बाहर कर दिया मार मार के। अरे भाई साहब पापा जी आप तो बहुत ताकतवर हो। हाँ वो तो हूँ मैं। ओए ये क्या, पूरे स्टेडियम में आग लगा दी तुम्हारे भाई ने, इतना तेज मारा इसको मैंने, भाई आग ही लग गई चारों तरफ।
चलो गाइस यार, इसकी तो बैंड बजा दिया अपने, अब जल्दी से जाके उस हेड को टच करता हूँ और उसको पोर्शन में चेंज करते हैं। अबे एक सेकंड, ओए ओ कितने सारे लोग मर गए यार यहाँ पर। अरे भाई वो गाड़ी कहाँ उड़ गई? अब उसने पावर यूज की उस चीज में उसकी गाड़ी भी उड़ गई यार। हल्क तूने देखा कि वो कहाँ पर उड़ के गई है? हाँ उस तरफ जाओ उस तरफ। ओए वो रहा सामने, दिख गया मेरे को। ये रहा भाई सब, देख रहे हो कहाँ उड़ के चला गया वेनम हेड। चलो गाइस यार अब इसको टच करते हैं और इसको पोर्शन में चेंज करते हैं और फिर अपग्रेड करते हैं अपने आप को। तो चलो सबसे पहले टच किया हमने, तो गाइस यार यहाँ पर हमने उस हेड को पोर्शन के अंदर चेंज कर दिया। बस अब मेरे को इसको पीना और उसके बाद हम लोग फिर से अपग्रेड हो जाएंगे एक आयरन फ्लैश के अंदर। चलो इसे पीते हैं जल्दी से। गुड 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 गुड। वो गाइस फिर से नहीं। ओए ये क्या चीज है यार भाई, इतने सारे हेलीकॉप्टर और क्या क्या है। एक सेकंड, वो ये कौन है? ओए इसे मैं जानता हूँ यार, ये तो गोरिल्ला फ्लैश है। गोरिल्ला फ्लैश, हाँ कैसे हो तुम? अरे मैं बढ़िया, पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर क्यों टेलीपोर्ट हुआ? हाँ तुम्हें अगर अगला फ्लैश का हेड चाहिए तो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया को पार करना होगा जो कि मेरे पीछे है। अगर तुम इस भूल भुलैया को पार कर देते हो तो तुम्हें वो हेड मिल जाएगा, पर तुम्हारे पास एक शर्त है। मेरे पास एक शर्त है? अरे मतलब मेरी एक शर्त है, तुम्हें इसे 5 मिनट के अंदर अंदर करना होगा वरना सब कुछ चला जाएगा। ओके तो गाइस यार मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर इस भूल भुलैया को पार करना पड़ेगा, तो चल तो भाई साहब ठीक है। कांग्रेचुलेशन, अबे जीता तो हूँ भी नहीं हूँ अभी मैं भाई साहब, ये भी पागल है सेमी। तो यार चलो हम लोग अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पर रास्ता किधर से है? इधर तो नहीं है, उस तरफ से चल के देखते हैं। तो भाई यार मैंने एक चीज देखी थी जब मैं ऊपर से नीचे गिर रहा था, यहाँ पर भाई बहुत सारे प्लेन्स है यार, मतलब और बहुत सारे हेलीकॉप्टर। देख रहे हो मेरे सामने एक ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा है, मतलब या इनका कोई यूज करना। मेरे को शायद, मेरे को ऐसा लगता है वो रास्ता एकदम सही होगा जहाँ पर असल में ये हेलीकॉप्टर या कोई प्लेन खड़ा होगा। हाँ ऐसा हो सकता है। तो गाइस यार अभी तो हम लोग चलते ही जा रहे हैं और मुझे सही में नहीं पता हम लोग कहाँ जाए जा रहे हैं, बस जाए जा रहा हूँ मैं, घूमता ही जा रहा हूँ और अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर मैं जा कहाँ पर रहा हूँ और ना ही मुझे कोई प्लेन दिख रहा है। ओए एक सेकंड, इस तरफ कोई प्लेन लग रहा है मेरे को। हाँ ये देखो इस तरफ एक प्लेन है, उसका पीछे का पिछवाड़ा दिख रहा है मेरे को। भागो भागो भाई मेरे पास टाइम कम है। ओए मेरे को एक बाइक मिल गई भूल भुलैया के अंदर। चलो यार बाइक का यूज करता हूँ, इससे जल्द जल्दी हो जाएगा। इधर से इधर चलते हैं। नाइस बढ़िया बढ़िया यार, इससे तो काफी जल्दी हो जाएगा। सही है मेरे को ये बाइक मिल गई। ए नहीं नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बाइक से ज्यादा लेट होगा। अब किस तरफ जाना है? इस तरफ चलता हूँ जल्दी सी। गाइस यार बाइक से तेज ही होगा क्योंकि देख रहे हो जल्दी जल्दी हम लोग कट मार पाएंगे। और इस तरफ, अबे ये क्या मैं घूमता जा रहा हूँ? अबे यहाँ पर एक और बाइक है। गाइस यार क्या क्या है इस भूल भुलैया के अंदर, कहीं पर हेलीकॉप्टर से कहीं पर बाइक से। इस तरफ गया मैं और अब इस तरफ। यार मैं सही तो जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं सही भी जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। अब भाई साहब इस बाइक को छोड़ो यार, घूम जाता रहा हूँ इससे मैं। चलो गाइस यार बाइक तो मैंने छोड़ दी पर मेरे को समझ में नहीं यार रास्ता है कहाँ पर यार। ओए एक सेकंड, यहाँ पर ये प्लेन क्या कर रहा है? ओए ये देखो प्लेन का टायर घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्लेन के अंदर कोई ना कोई तो है। hey, कोई है क्या प्लेन के अंदर? अरे हाँ भैया हम हैं, बोलो क्या चाहिए। अरे भाई इस भूल भुलैया का रास्ता पता है क्या? तू तो ऊपर की साइड है, तेरे को दिख रहा होगा साफ साफ किधर जाना है मेरे को। अरे लाडले मेरे हो रहे नशे, मैंने ना वेरा कित जाना है, मेरे हो रहे तेज नशे। अबे यार इसने तो भांग मार रखी है यार, इसलिए तो इसने अपना प्लेन यहाँ पर क्रैश कर दिया। देखियो भाई कहाँ पर प्लेन क्रैश करा इसने। अरे भाई थोड़ा सा धक्का लगवाइए मेरे ट्रक के अंदर, यो फंस गया। कि इस बंदे को लग रहा है कि ये ट्रक चला रहा है, इसको ये नहीं पता कि ये प्लेन उड़ा रहा है। ये भाग लिया भाई, सही में नशे बहुत तगड़े कर रहा है इसने। चलो यार मैं तो रास्ता ढूंढता हूँ, मुझे लगा मेरी हेल्प हो जाएगी इस पागल से, पर कोई हेल्प नहीं हुई यार मेरी। और मेरे को कंफ्यूजन हो रही है सही बहुत ज्यादा, कहाँ से रास्ता है, ऊपर से टाइम पे टाइम जाया जा रहा है, मेरे पास 5 मिनट पूरे, एक और यहाँ पर प्लेन है। ओए अगर मैं इस प्लेन के अंदर बैठ जाऊँ तो टिचिक। अबे नहीं बैठ सकता यार, पता नहीं कैसे फंसा हुआ ये प्लेन, प्रकाश इसके अंदर बैठ जाता। एक सेकंड इस तरफ तो रास्ता ही नहीं है यार, इसका मतलब हर जगह प्लेन मिलेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सही रास्ते पे प्लेन गिरा हुआ होगा। इस तरफ चलो इस तरफ चलो, यहाँ पर भी रास्ता बंद है। अबे यार कितनी गंदी भूल भुलैया, ये सही में इधर भी बंद है। भाई मैं गलत ही आ गया उस नशेड़ी के चक्कर में, अगर वो मेरे को बता देगा ना कि भाई साहब किस तरफ जाना है मेरे को तो काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। वो एक सेकंड ऊपर कुछ पड़ा था, पता नहीं क्या पड़ा था। चलो और कहीं से रास्ता निकालता हूँ। फिर से रास्ता बंद हो गया, पता ही नहीं चल क्या रहा, रास्ते रास्ते बंद हो जा रहे। और ये क्या हुआ भाई मेरे ऊपर, ये क्या था भाई? लगता है कोई ऑयल टैंक है भाई, फट गया एकदम मेरे ऊपर, टाट पे बच गया यार, मैं नीचे था वरना मर जाता तुम्हारे भाई, जिंदा ही नहीं बचता सही में। अब किस तरफ जाना है मेरे को? भाई ऊपर भी कुछ पड़ा है, पता नहीं यार कौन सी जगह है, कहाँ से जाया जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आप लोग ये दो काम करते हो तो यार मुझे जरूर लोकेशन मिल जाएगी, कहाँ से रास्ता है वो जरूर मिल जाएगा मेरे को। तो प्लीज यार जल्दी जल्दी ये काम करते हो और कॉमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग लिख देना लोकेशन, जिससे मेरे को अच्छी लोकेशन मिल जाए, सही लोकेशन जिससे मैं बाहर निकल सकूँ। एक बार रास्ता तो मिल
जाए तुम्हारे भाई को, फिर तुम्हारा भाई बाहर निकल जाएगा सीधा। अभी तो तुम्हारा भाई तेज तेज भाग रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। भाई साहब भागते भागते काफी दूर आ गया, और यहाँ पर मेरे ऊपर कोई फाइटर जेट प्लेन खड़ा है, देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स इसके अंदर। भाई मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, क्योंकि प्लेन्स दिख रहे हैं तो मतलब मैं सही रास्ते पे होऊंगा। बस भागते जाना है तुम्हारे भाई को बिना रुके, फुल स्पीड में। ओए तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, नीचे का कलर भी चेंज हो रहा है, और इस तरफ देखो ये कलर चेंज, और बाकी जगह पर कलर चेंज है। इसका मतलब मैं शायद बाहर निकलने ही वाला हूँ। हाँ हाँ प्लीज भगवान बाहर निकल जाऊँ। ये देखो हम लोग बाहर निकल गए, जैसे मैं सोच ही रहा था। यहाँ पर देखो इस चीज की कलर थी वो। ओए बेटे फाइनली हम लोग बाहर निकल गए भाई, कितनी बड़ी भूल भुलैया थी, और हम लोग यहाँ पर जीत चुके। इसका मतलब बस मुझे इसको टच करना और हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे। चलो इसको टच करते हैं जल्दी सी। चलो गाइस यार यहाँ पर मुझे मेरा पोर्शन मिल चुका है, बस मुझे इसको पीना और उसके बाद हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे एक अल्टीमेट रोबोट फ्लैश के अंदर, मतलब आयरन फ्लैश के अंदर। चलो उसको पीते जल्दी सी। गुड 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 गुड। अरे भाई यार ये हरबाल की क्या बकलोली है। अरे मां की भरोसा मर गया भाई, खून निकल गया इतना सारा मेरा। एक सेकंड, मैं ये कौन से फ्लैश के अंदर अपग्रेड हो गया भाई, ये कितना ज्यादा सुपर कूल लग रहा है सेमी। और एक सेकंड यहाँ पर ये क्या चल रहा है। अरे हल्क फ्लैश, हल्क कैसे हो। अरे अरे बात मत करो, अगर तुम्हें जीतना है कंपटीशन तो लाइन में खड़े हो जाओ। कौन सा कंपटीशन। एक सेकंड, यहाँ पर ये दो फ्लैश हो रहे है, ये तो फ्यूचर फ्लैश है, और ये तो यार असल में ये इसका क्या नाम भाई, कौन है तू। मुझे तो उससे बात नहीं करनी है। कितनी अजीब आवाज, कितनी अजीब आवाज इसकी। हाँ तो मैं तुम तीनों को बता देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर करना क्या है। मेरा नाम है हल्क फ्लैश, ठीक है, और तुम में साथ कोई भी जो ये रैंप चैलेंज जीतेगा उसको मिलने वाला है खतरनाक दो हेड फ्लैश के। तो तुम्हें यहाँ से बाइक लेनी है, और उसके बाद यहाँ से सीधे जाना है इस रैंप चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए। और ये रैंप चैलेंज आज तक पहले कोई भी कम्प्लीट नहीं कर पाया। यहाँ पर तुम्हें बर्गर्स, कंटेनर्स, पेप्सी के कैंस, ब्लैक होल, जम्स, स्टम्प्स, बहुत सारी बियर्स, बोतल, काड़ू पुड़ू सब मिलेगा, और आखिर में जो इसमें जीतेगा उसे मिलेंगे ये दो फ्लैश के हेड। सबसे पहले मैं ही जाऊंगा फिर। ओके तो गाइस यार सबसे पहले ये काला फ्लैश जा रहा है। एक सेकंड मेरे को है, ओए मुंह के बल गिर गया। अरे भाई क्या कबाड़ा बैठ क्यों नहीं रहा मैं इसके ऊपर। अरे क्या बकलोली है बे। अरे यार ये अजीब आदमी है सही। अरे इधर वाली ले ले यार। हाँ ये वाली लेके चलता हूँ। गाइस यार ये मेरे को रिवर्स फ्लैश की टीम में क्यों लगता है। अरे हाँ मैं रिवर्स फ्लैश का भाई हूँ। गाइस यार ये रिवर्स फ्लैश का भाई यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे मैं जीतने आया हूँ यहाँ पर। क्यों तेरे भाई ने मेरे को कम तंग किया है कि जो वंडर वुमन को उठा के ले गया। अरे मेरे भाई ने ही तो बोला है कि तेरे को जीतने नहीं देना। गाइस यार ये तो गलत है बहुत ज्यादा, ये दोनों भाई मिलके मेरी बैंड बजाना चाहते हैं। अब ये देख हम कैसे जीतेंगे यहाँ पर। ये मैं चला फुल स्पीड में, ये देख ये गैदी चेतू। अरे ये कैसे हो क्या रहा है। अब मेरी बारी लगता है, तो चलो मैं चलता हूँ। अब इतनी बाइक्स पहले नहीं थी अब आ गई। अरे मैं भूल गया था बाइक्स देना। और तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली सुपर बाइक लेके जाऊँ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये वाली बाइक लेके जा रहा है, और ये फ्यूचर फ्लैश है। फ्यूचर फ्लैश तो यहाँ पर क्या कर रहा है फ्यूचर में से। अरे मुझे बस वो हेड चाहिए, मुझे रिवर्स फ्लैश से लड़ाई करनी है। अब टेंशन मत ले, अगर मैं रिवर्स फ्लैश को अभी हरा दूंगा तो तेरे को फ्यूचर में उससे लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। हाँ अगर मैं अगर आज उसे हरा दूंगा तो। ये है क्या, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा मैं ही जीतू, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूंगा। आखिर अगर तुमने भी अगर रिवर्स फ्लैश की तरह ताकत आते ही तुमने भी गलत काम किए तो। अपन नहीं यार मैं कोई रिवर्स फ्लैश थोड़ी हूँ कि मैं उसकी तरह ऐसे आतंक फैलाऊंगा। अरे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद ही जीतना चाहूंगा। चलो ठीक है यार तुझे ऐसा लगता है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ अब इस चीज में। हाँ तो अब मुझे बस जीतने दो। हाँ भाई जीत, तेरे को कौन मना कर रहा है। गाइस यार अगर ये जीत गया ना तो मतलब ये अपनी तो हेल्प कर लेगा, फ्यूचर में जाके ये रिवर्स फ्लैश को हरा देगा, पर आज की डेट में जब रिवर्स फ्लैश वो अपग्रेड हो चुका है ताकतवर आयरन रिवर्स फ्लैश के अंदर, तो गाइस यार मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा अगर मैं यहाँ पर नहीं जीत पाया तो। गाइस यार इसको कैसे करके नीचे गिराना पड़ेगा, आप लोग ये आसानी से कर सकते हो। अरे तुम किससे बातें कर रहे हो। मैं मेरे दोस्तों से बातें कर रहा हूँ। वो लोग कौन है। वो लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। दे आर ग्रेट। हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या, मुझे पता नहीं था। हाँ बहुत कुछ होता है जो तेरे को नहीं पता है। हाँ पर कुछ भी हो मैं ही जीतने वाला हूँ। अबे भाई सब तेरे सपने में। चलो अब बाइक चेंज करता हूँ यहाँ से। गाइस यार इस वाले रैंप चैलेंज के अंदर कितनी सारी बाइक्स है सेमी। अरे ये बाइक्स पे बैठा क्यों नहीं जा रहा। अबे यार तू अपनी यही ले जाना। हाँ मैं यही लेके जाता हूँ, अजीब बाइक कहीं की। ओके भाई साहब ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, अगर ये जीत गया तो तुम्हारे भाई का पत्ता कट जाएगा, और तुम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम्हारा भाई हारे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं ही जीतने वाला हूँ, बस तुम देखते जाओ सभी के सभी लोग। ये देखो अरे ये बाइक काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, मेरे हिसाब से वहाँ से बाइक लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हर बाइक के लिए अलग चैलेंज दे रखा है।
अरे ये तो बहुत बड़ा रैम चैलेंज अभी भी बच रहा है। ये क्या है? अरे ये बाइक के अंदर कुछ ज्यादा ही पावर थी, मैं तो हार गया। चलो गाइस यार, फाइनली अब तुम्हारे भाई की बारी आ चुकी है और अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके जाऊंगा सबसे ऊंची वाली बाइक जो कि ये है। इसके अंदर पावर इतनी कम भी नहीं है और ना ही इतनी ज्यादा कि जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करे। और ये देखो, ओए भाई साहब, ये बाइक बहुत ज्यादा उछल रही है। ओके ये क्या है यहाँ पर भाई साहब, चमक रहा है कुछ तो, पता नहीं क्या था। अब आराम से बाइक को नीचे ले चलते धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। मतलब जल्दी तो है क्योंकि रिवर्स फ्लैश को हराना है, इतनी ज्यादा धीरे भी नहीं। सुमित थोड़ा तेज कर सब कुछ। ओ आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम बढ़िया। अभी तक तो एकदम बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। या गेम क्रॉस के ऊपर, नाइस। ये भगाई फुल स्पीड में बाइक और मैं भी यहाँ से जंप लूंगा तगड़ी वाली। और ये लिया, और भैया सही है यार, ज्यादा लंबी चौड़ी जंप नहीं मारी तुम्हारे भाई ने, बच गया मैं। चलो अब इसको ऊपर चढ़ानी, बाइक चढ़ तो जाएगी नहीं ये वाली। ओ आराम से चढ़ गई। ये देखो भाई, हम आ गए टॉप के ऊपर। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से पहले की एड वापस आए, एकदम बढ़िया। नाइस यार, तुम्हारा भाई इसमें कितना ज्यादा अच्छा कर रहा है, मैं तो उन लोगों से काफी ज्यादा स्पीड में इसे कंप्लीट करता जा रहा हूँ। और ये बिल्कुल परफेक्ट, वो बचा भाई, अभी नीचे गिर जाता यार। यहाँ पर मेरे को बाइक चेंज नहीं करनी, मैं जो वहाँ स्टार्टिंग में बाइक लाया था मैं वही लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस बाइक के बारे में पता है यार। आखिर में तुम्हारा भाई कितना खतरनाक राइडर है वो तुम्हें भी पता है। ओके जल्दी हटना यार, ये बीच में स्टॉप साइंस आ रहे हैं बार बार। ओके यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, कौन? वो फ्लैश, फ्यूचर फ्लैश। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। एक तो इतनी सारी घासें हैं ना यार, समझ में नहीं आ रहा। ओए ये देखो भाई, ये कितना नैरो हो गया सेमी। आराम से, ए जल्दी जल्दी, ये बच गया। चलो भाई साहब, हम लोग आगे पहुंच गए। ओ इसका तो दम निकल गया बाइक का, पर चढ़ गई ऊपर फाइनली। ओ नहीं भाई, इन बर्गर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फिसलन है यार, मेरे टायर्स की ग्रिप नहीं बन रही, पता नहीं क्यों। मेरे को शायद बाइक चेंज करनी चाहिए। नहीं छोड़ो यार, बाइक चेंज नहीं करते हैं। भाई यहाँ पर देख रहे हो, कोई किसी का प्ले स्टेशन लग रहा है मेरे को यहाँ पर। अब ऊपर चलते हैं। ओ भाई ये क्या है भाई, देख रहे हो यहाँ पर बैड्स है भाई। ये कैसा रैम चैलेंज है, मैंने इतने सारे रैम चैलेंजेस किए हैं पर इतना हार्ड आज से पहले कभी नहीं किया। अब ऊपर चलना है और अभी मेरे को, ए आराम से, ज्यादा जल्दी नहीं, बिल्कुल धीरे। ए चढ़ जा। ओ नहीं, बच गया। इस साइड से लेता हूँ थोड़ा, एकदम परफेक्ट, टायर घूम गया बिल्कुल बढ़िया। और ये आ गए हम लोग ऊपर। अब ये स्टॉप साइंस को भी पार करना है यार, और अब भी कितने सारे स्टॉप साइंस और कितने सारे ऑब्स्टिकल सामने बच रहे हैं, मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ओ भाई आ रहा हूँ, वंडर वुमन टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, इस रिवर्स फ्लैश को छोड़ूंगा नहीं। अबे ओए ये कोई सोने की जगह है पागल लड़की। अरे पागल हो क्या तू, पागल है भाई, इतनी ऊंचाई के ऊपर कौन सोता है। सही में यार, लड़कियों में दिमाग नहीं होता, मतलब एक दो में नहीं होता, बाकियों में होता है, सबको नहीं बोल रहा मैं, बुरा नहीं मानने का। ओए एक सेकंड, लगता है कोई नीचे गिर गया भाई, चिल्ला रही है पीछे। ओए 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 ओए, यहाँ पर भी मैं बाइक चेंज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अपनी बाइक ज्यादा अच्छी है। ओए भाई ये इतना ज्यादा पतला दे दिया है, अगर थोड़ी सी भी गलती की तो हम लोग सीधा नीचे जाएंगे। अरे बच गया। ओए भाई कितना ज्यादा पतला है ये, अरे कट जा बेबी। भाई साहब क्या कंट्रोलिंग है तुम्हारे बाइक की। चलो भाई ऊपर चलते अब। ये क्या है भाई, गोल चक्कर सा। ओए यार ये तो चलो अब थोड़ा इजी आ गया, जितना बड़ा ये सरफेस रहेगा ना तुम्हारे बाइक उतना इजी पड़ेगा। हाँ चलो यार ये भी इजी होने वाला है काफी, क्योंकि काफी बड़ा है यार ये। चलो अब भाई ये डंडा आ गया फिर से। ओए ये आदमी नीचे क्यों गिर गया, मैंने तो टक्कर भी नहीं मारी उसे, पहले नीचे गिर गया, अजीब आदमी था यार जमी। आराम से बिल्कुल कोई जल्दी नहीं हमें। अरे इधर उधर, अरे भाई गिर ना जाऊं बस मैं, एकदम बढ़िया। अब ये बस किसकी है यार, मेरी स्कूल बस तो नहीं है यार, वो भी ऐसी दिखती थी बिल्कुल खटारा। हाँ एकदम बढ़िया, इधर आ गए हम लोग। स्कूल बस से मुझे याद आया, आप लोग कौन से स्कूल में जाते हो ये मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, अपने स्कूल का नाम जरूर लिखना। क्या पता आप लोग जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ उसी स्कूल में आप लोग पढ़ते हो, मतलब मैं तो पढ़ता नहीं हूँ स्कूल में, मतलब जब पढ़ता था, क्या पता जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तुम भी उसी स्कूल में पढ़ते हो, तो अपना नाम जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर स्कूल का, ठीक है। और अपना भी बताई देना कि मेरा नाम ये और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे स्कूल में आऊंगा एक दिन घूमने के लिए। चलो भाई साहब अभी तक हम लोग बिल्कुल बढ़िया करते जा रहे हैं, एकदम बढ़िया। अबे यार यहाँ पर इतने सारे ट्रैप्स लगा रखे हैं ना, और ऊपर से बाइक भी पता नहीं तेल खत्म होने वाला है तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ से मेरे को सामने जंप लगानी है यार। हाँ मैं काम करता हूँ, यहाँ से सीधा ही जंप लगाता हूँ ना, क्यों फालतू इतना बड़ा ऑब्स्टेकल्स करूंगा। और ये सीधा छपाक, एकदम परफेक्टली यार, हमारा तो दिमाग ही एकदम तेल है भाई। चलो ओ यहाँ पर फिर बाइक चेंज करनी है, और मैं यहाँ पर भी बाइक चेंज नहीं करूंगा। ओए ये लोग देखो कहाँ बैठे हैं भाई, ये लोग सेमी मेंटल है भाई, तुम लोग कहाँ से आते हो, इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं ये लोग, सेमी मेंटल भाई बिल्कुल। अरे भाई क्या हाल है। अब मैं बढ़िया, पर तुम लोगों का हाल बेहाल हो जाएगा नीचे गिर गए तो। अरे मजा आ रहा, मैं तो ठंडी ठंडी हवा खा रहे। अबे मैं भी किन लोगों से बात कर रहा हूँ भाई, ये लोग तो यमराज से भी नहीं डरते यार, यमराज के साथ बैठ के गोलगप्पे खाते हैं और यमराज को तीखी मिर्ची खिला देते हैं, ऐसे लोग हैं ये भाई, सब डर ही नहीं लगता किसी चीज का भी। ये जंप, वो अरे भैया
अरे भैया 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 बच गए। नाइस, अब क्या करना, अब मेरे को वहां ऊपर चढ़ानी बाइक, चढ़ तो जाएगी मेरी बाइक। ओ बिल्कुल बढ़िया, बस भाई बचे थोड़ा सा। यार कितना हार्ड है यार ये रैम चैलेंज, और कितना ज्यादा लंबा चौड़ा है यार सेमी। अब ऊपर चढ़ाते हैं, ये आ गए हम लोग ब्लैक होल के ऊपर, और ये आ गई पौवे वाली जगह। पौवे वाली जगह पे करना क्या है मेरे को पता नहीं, बस आराम से। ये बिल्कुल बढ़िया, अबे पौवे के साइड में से निकलना में बिल्कुल बढ़िया। एक सेकंड, यहाँ पर क्या करना है यार, वह ऊपर मैं कैसे जाऊँगा? एक सेकंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आखिर यहाँ पर करना क्या है। आई एम सो कंफ्यूज, मेरे को लगता है मेरे को बस इसके बीच में जाना है, शायद मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, ऐसा ही होगा शायद। ओ ये देखो गाइस यार, जैसे कि मैंने बोला था मैं सीधा टेलीपोर्ट हो गया भाई। भाई यहाँ पर दो बाइक्स और है, और ये काफी ज्यादा पावरफुल बाइक्स लग रही है, पर मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, मैं ये नॉर्मल बाइक से कर लूंगा। और ये देखो एकदम बढ़िया, और ये लगाई एक और जंप, और ये उड़ जा बाइक मेरी, बिल्कुल बढ़िया। चलो गाइस यार अब हमें एक लास्ट जंप लेनी है, और उसके बाद हम लोग जीत जाएंगे, इसलिए मैं फुल स्पीड में भगाऊंगा। 120, 130, और ये 140 की स्पीड पे लगाई हमने जंप। पहुंच जाऊंगा क्या मैं वहां पर या नहीं पहुंचूंगा? ए, उड़ती उड़ती बाइक हमारी पहुंच जाएगी। पहुंच गए फाइनली गाइस, यार हम लोग जीत चुके हैं। कितना हार्ड रैंप चैलेंज था सही में यार, मैंने आज से पहले इतना हार्ड रैंप चैलेंज कभी नहीं किया। तो चलो गाइस यार बस इनको मेरे को टच करना, और उसके बाद हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे। तो लेट्स अपग्रेड। तो गाइस यार यहां पर तुम्हारा भाई फाइनली अपग्रेड हो चुका है एक आयरन फ्लैश के अंदर, और ये देखो भाई मेरे पीछे पंख आ चुके और मैं अब हवा में उड़ सकता हूँ कितनी कमाल से। तो चलो गाइस यार अभी हम लोग जाने वाले वंडर वुमन को बचाने के लिए, और गाइस यार हम लोग पहुंच गए। ए रिवर्स फ्लैश के बच्चे चुपचाप हार मान ले, अब तेरी बैंड बचने वाली है। अरे फ्लैश ये क्या, तुम तो मुझसे भी तगड़े आयरन फ्लैश बन गए। हाँ मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर आयरन फ्लैश बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और चुपचाप यहाँ से दफा हो ले, मैं नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। ये ले अब जाएगा नहीं जाएगा। अरे ये क्या, तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका, ये तो कुछ भी नहीं है। किधर गया? ओए भूतनी गई। गाइस यार लगता है मैंने उसकी बैंड बजा दी, उसका तो मैंने कुत्ता फाड़ दिया। चलो गाइस यार वंडर वुमन कहाँ है? ये रही वंडर वुमन, खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। अरे मैं ये कहाँ पर हूँ? ए फ्लैश तुम, ये तुम हो क्या? हाँ मैं यू। अरे रिवर्स फ्लैश ने मेरे पर हमला किया था और उसने मुझे बेहोश करके वो अंडा ले लिया। कोई बात नहीं, अब तुम अंडे की प्रोटेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। अरे वाह तुम ये कैसे फ्लैश के अंदर अपग्रेड हो गए? मैं असल में एक आयरन फ्लैश के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ। ये तो बहुत ज्यादा कूल है, और तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ वंडर वुमन मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पर हमने वंडर वुमन की जान बचा ली है, और गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो मेक श्योर टू लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले भटके आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे कोई नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी। We're just getting started, I know that you want it, baby.